अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब अहमद नासर। जी डियर स्टूडेंट, लास्ट हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। उसके 2 पार्ट थे, उसमें हमने उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने की। बड़ा आसान काम था, कुछ मुश्किल नहीं था उसके अंदर। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 किस नियत का है? कहता है टू मेक द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, 9x4 - 12x³ + 22x² - 13x + 12। आप परफेक्ट स्क्वायर, हम इसके साथ क्या ऐड करें? कहता है कि टू मेक एक्सप्रेशन, हम किस तरह से ये एक्सप्रेशन जो बनाएं, आप परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर इसका बनाना चाहते हैं तो इसमें व्हाट शुड बी एडेड टू इट। तो इसके साथ हम ऐड कौन सा करें कि जिससे ऐड करने से हमें ये एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, स्क्वायर रूट मिल जाए। फिर वो कहता है कि हम इसके साथ व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सब्ट्रैक्ट क्या करें इसमें से, निकालें क्या कि हमारे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। ऐड देन कहता है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, और लास्ट पे ये बात भी करता है कि आप एक्स की वैल्यू भी फाइंड करें। तो तीन बातें हैं कि हमारे पास दिया गया जो एक्सप्रेशन है उसमें हमने करना क्या है, उसको इस तरह से सॉल्व करें और ऐड देन एक एक्स जो एक्सप्रेशन फाइंड करें कि जिसको उसमें ऐड किया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए, और उसमें सब्ट्रैक्ट किया जाए तो फिर बन जाए, और वो जो हम लेंगे एक्सप्रेशन जो निकालेंगे उसमें से एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया गया वो है x4 जी डेढ़। अब ये हमारे पास है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि वो कौन सा एक्सप्रेशन है जिसको हम इसमें ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या इसमें से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमें आता है, जो हमने लास्ट सिनेरियो बनाया उसी के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट एक्स 9x4 - 12x³ + 22x² - 13x + 12। तो ये हमारे पास है जी 9x4, जो है इसको हम लिख सकते हैं 3x² इधर भी लिख लिया, 3x² इधर भी लिख लिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है जी 9x4 फर्स्ट हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, पीछे रह गया हमारे पास -12x³ + 22x² - 13x + 12। फर्स्ट स्टेप में हमने उसको फर्स्ट टर्म को हमने इक्वल करना होता है, सेकंड स्टेप में जो फिर फर्स्ट आएगी उसको इक्वल करेंगे। तो हमारे पास पहले इसको हम ऐड करेंगे, मतलब इसका डबल करेंगे, इसका डबल करेंगे तो हमारे पास होता है 6x². अब इधर -12x³ है तो हम इसके साथ कौन सा ऐसा टर्म बनाएं, लें इसके साथ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें जिससे -12x³ बन जाए। तो हमारे पास वो एक ही है, वो है जी 2x। तो 2 - 2x से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें ईजीली मिल जाता है -12x³, और इसी के साथ इसको फिर इसको भी तो इसी के साथ करना है ना, तो -(-)+ 2 2s = 4, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये इससे कट गया। 22x² में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है जी 18x² -13x + 12। मजीद जी हमारे पास जो फर्स्ट है इसको हम वैसे लिख लेते हैं 6x², जो सेकंड टर्म आई है ना, जो वन स्टेप हमारे पास होती है प्रीवियस, उसका डबल करते हैं तो उसका डबल हमारे पास 4x आ जाता है। अब 6x² है, इधर 18x² है, तो कौन सा ऐसा एक नंबर लें, एक ऐसी टर्म लें जो मल्टीप्लाई किया जाए तो 18x² बन जाए। तो हमारे पास क्या है जी, इधर 6x² है तो हम इसको सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा ना, 3 इधर लिखा है तो 3 इधर भी लिखना है, तो ये 18x² बन जाएगा। तो 18x², और साथ हमारे पास -4 है तो इसको इससे भी करना है। आप समझें कि ये सीन कुछ इस तरह का है, 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12x बन जाएगा, और इसको 3 को इससे भी करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो हमारे पास सिचुएशन ये समझाने के लिए मैंने लिखा था, ये कट गया, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाता है -x, -x इसमें सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमें मिल जाता है ये 3। अब हमारे पास वो कौन सा है, फर्स्ट की बात करता है तो एडिड, इसमें हमने एडिड -x और 3,
तो ये वो नंबर है, इसको हम ऐड करें तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो फिर सेकंड की बात करते हैं जी, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। तो सब्ट्रैक्ट हम क्या करें, तो उसके लिए हम क्या करें, सिंपल एक्स माइनस थ्री, इसको माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास एक्स माइनस थ्री बन जाएगा। इसको गिवन एक्सप्रेशन के अंदर सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाता है। और एट द एंड हमारे पास है जी कहता है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ये जो हमारे पास रिमाइंडर बचा था इसी को हम क्या करेंगे जी, इक्वल रख लेते हैं ज़ीरो के। जब इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर थ्री इधर ऐसे रहेगा और ये माइनस का एक्स उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो इसको खूबसूरती के लिए एक्स पहले और कांस्टेंट इक्वल में रख ले बाद में। तो यहाँ से हमारे पास ये इसके आंसर थ्री मिल गए। क्वेश्चन में कहता था कि कोई ऐसा एक एक्सप्रेशन दिया गया है उसको अपनी मर्जी जैसे मर्जी सॉल्व करें, तो हमें सिर्फ वो थ्री पॉइंट्स चाहिए। फर्स्ट के जो हम ऐसा एक एक्सप्रेशन फाइंड करें जिसको इसमें ऐड करें तो परफेक्ट उसके रूट बन जाए। सेकंड उसको सब्ट्रैक्ट करें, कोई ऐसा देखें जिसको इसमें सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास एक परफेक्ट उसके रूट बन जाए। और ऐड दैन जो लास्ट कहता है कि जो वो एक्सप्रेशन जो मिला है हमें जिससे सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हैं उसको ज़ीरो के ऊपर रखें और वहाँ से एक्स की वैल्यू भी फाइंड करें। तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और कोई भी किसी किस्म का इस एक्सरसाइज में इशू हो या इससे पहले चैप्टर में कोई भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन का इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आएँ, आपके आंसर मिलेंगे आपको। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।